इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएससी आईडी के थ्रू आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे, या आप किसी भी कस्टमर का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे आप उसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी पहले से प्राप्त है, आप जो है ऑलरेडी ऑपरेटर आईडी प्राप्त कर चुके हैं, तो आप जो है लॉग इन करके जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सबका जो है आयुष्मान कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं। और जो भी सीएससी वीएलई है उनका जो मिनिमम चार्ज होता है, अगर हम देखें मार्केट रेट, तो 50 रूपए, 60 रूपए, ऐसे ऐसे करके 100 रूपए तक जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का वो लोग लेते हैं प्रिंट आउट देकर। एक कार्ड की तरह प्रिंट आउट निकलेगा कुछ इस प्रकार से, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से ये आपको जो है निकलेगा, यहाँ पे जो है ये कार्ड होता है, इसको प्रिंट करना होता है और जो भी बेनिफिशियरी होता है उनको देना होता है। बनाने के बाद तुरंत बन भी जाता है, तो मैं आपको प्रॉपर जो है बनाने से लेकर मतलब केवाईसी, पहले तो हम बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखेंगे कि है कि नहीं है, उसके बाद से केवाईसी करेंगे। केवाईसी करने के बाद से तुरंत जो है हम आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करने का भी सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो ऑन द स्पॉट तुरंत का तुरंत जो है ऑपरेटर आईडी के थ्रू बन जाता है। तो देखिए ऑपरेटर आईडी से आप कैसे लॉग इन करेंगे, तो पहले आप ऑपरेटर आईडी यहाँ पे जो है क्या करेंगे, चूज करेंगे। बेनिफिशियरी आईडी से मैंने ऑलरेडी जो है बनाया हुआ है। बेनिफिशियरी आईडी से कोई भी कैंडिडेट अपना एक मोबाइल नंबर लिख के लॉग इन करके बना सकता है। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो आप अपना एक कोई भी मोबाइल नंबर, भले वो जियो हो, एयरटेल हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर लिखेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके लॉग इन करके आप जो है आयुष्मान लिस्ट में नाम सर्च करके केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन होता है ऑपरेटर आईडी। ऑपरेटर आईडी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, मेंबर ऐड करने का, ऑथेंटिकेशन करने का, तमाम एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। तो ऑपरेटर आईडी से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर आईडी के लिए आपको जो है सीएससी वीएलई को ही ऑपरेटर आईडी मिलता है। ऑपरेटर आईडी के लिए आपको जो है आवेदन देना होता है। ऑपरेटर आईडी जब आवेदन देंगे तो आपको जो है ऑथराइज किया जाता है, फिर आप जो है ऑपरेटर आईडी प्राप्त करके और बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ऑपरेटर आईडी कैसे प्राप्त करना है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाएंगे कि ऑपरेटर आईडी के लिए कैसे सीएससी वीएलई अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, यूजर आईडी या मोबाइल नंबर, तो ऑपरेटर आईडी का जो मोबाइल नंबर होता है वो लिख सकते हैं, यूजर आईडी भी लिख सकते हैं, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके आप जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट जो है लॉगिन का प्रोसेस बताते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप जो है ऑपरेटर आईडी यानी सीएससी के थ्रू जो है आयुष्मान कार्ड आप जो है इजिली बना सकते हैं किसी का भी और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेटर आईडी जो है लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप जितना भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको जो है अप्रूव्ड, पेंडिंग, रिजेक्ट, डिलीवर्ड, ये सब आपका दिखाएगा कि आपने अभी तक कितना अप्लाई कर दिया, कितना पेंडिंग है, कितना लोगों का कार्ड जनरेट हो गया। यहाँ पे आपका जो है नाम वगैरह शो होता है, आप स्विच रोल कर सकते हैं। पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप जो है, कार्ड डिलीवरी, डाउनलोड कार्ड, लिंक आधार, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ मिलता है बेनिफिशियरी सर्च करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे जिस भी राज्य से आप हैं वो राज्य आप यहाँ से चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको स्कीम आता है पीएमजेएवाई या बीओसीडब्ल्यू। बीओसीडब्ल्यू क्या होता है, तो जो बिहार में लेबर कार्ड के थ्रू जिनका नाम यहाँ पे एड हुआ है ना, वो यहाँ पे बेनिफिशियरी चेक करेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। सर्च बाई क्या है, फैमिली आईडी के थ्रू, आधार नंबर से, या नेम, या लोकेशन रूरल या लोकेशन अर्बन। अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड से सर्च कर रहे हैं, आधार कार्ड से आपका नहीं मिल पा रहा है सपोज, तो उस केस में क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे जो है ना आधार नंबर हम लिखेंगे या सर्च करेंगे, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि लिस्ट में नाम रहते हुए भी ना नहीं शो होता है। तो आपको ना क्या करना है ना, पूरे गांव का या उस एरिया का पूरा आपको लिस्ट डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लोकल लोकेशन रूलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो गांव का नाम चूज करेंगे, और फिर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आएगा बहुत सारा ऑप्शन, देखिए आ रहा है ना। इसके बाद से हम यहाँ पे ये हमने सर गांव का यहाँ चूज करना है, यहाँ पे आएगा सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज आएगा, विलेज चूज करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस विलेज का ना पूरा जो है लिस्ट आ जाएगा, जितने भी लोग इलिजिबल हैं जिनका भी लिस्ट में नाम है उस सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। तो आपको ज्यादा प्रेफर करना है कि आप जो है यहाँ पे लोकेशन वाइज सर्च करें। पीएमजेएवाई आईडी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, आधार नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना आधार नंबर से सर्च किया, आधार नंबर से मेरा आ गया। तो मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से आ रहा है उस तरह से आप सर्च कर लीजिएगा, सभी ऑप्शंस को एक बार चेक करके सर्च कर लीजिएगा, जैसे भी आपको लिस्ट में नाम मिल जाए आप सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका एक्शन बटन है ई केवाईसी करने का, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ई केवाईसी स्टेटस आपका जो है आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड है मतलब क्या, आपका जो है आधार इसमें लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिफाइड दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन होता है, उसका मतलब कि उसका आधार कार्ड भी लिंक नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड भी मेरा जनरेट नहीं हुआ है, नॉट जनरेटेड दिखा रहा है। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे केवाईसी जब तक नहीं करेंगे ना तब तक हमारा जो है कार्ड डाउनलोड भी नहीं होगा। हम पहले ई केवाईसी करेंगे फिर हम कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ई केवाईसी को कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद ही जो हम कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आधार स्टेटस में आइडेंटिफाइड दिखा रहा है, मतलब आधार लिंक है मेरा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, आप किसके थ्रू केवाईसी करना चाहते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू, या फिंगरप्रिंट, या
इरिस स्कैन के द्वारा। तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो इसको आप चुनाव करके और ओटीपी को भेज के केवाईसी कर लेंगे। फिंगरप्रिंट, अगर आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिंगरप्रिंट के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास मॉर्फो या कोई भी एक फिंगर स्कैनर डिवाइस होना चाहिए। रेटिना स्कैन करके, आंख स्कैन करके भी होता है, बहुत सारे लोगों का फिंगर काम नहीं करता है तो इरिस स्कैन करके जो है वो करते हैं। तो हम यहाँ आधार ओटीपी का चुनाव कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आएगा, इसको टिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो बेनिफिशियरी आधार ओटीपी यानी ओटीपी चला गया है। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और ऑपरेटर के मोबाइल पे भी एक ओटीपी चला जाता है उसको भी लिखेंगे और उसके बाद से आपको जो है सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फोटोग्राफ कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो मेरा मैचिंग स्कोर है 60% है, तो 80-90% तक मैचिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइव अलाउ करेगा कैमरा, तो हम कैमरा को यहाँ पे क्या करेंगे अलाउ करके जो है हम फोटो को यहाँ पे खींचेंगे। तो ये हम जो है खींचेंगे, अगर आपके पास जो है अच्छा कैमरा है तो अच्छी क्वालिटी का फोटो खींचेगा तो ज्यादा चांस है कि आपका यहाँ पे केवाईसी अच्छे से होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि डू यू हैव अ मोबाइल नंबर, आपको यस करना है, मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे ईयर आपको चूज करना है, कौन से ईयर का आपका बर्थडे है, फिर यहाँ पे आपका जो है फैमिली हेड के साथ क्या रिलेशन है, आप पिता है या डॉटर है, मतलब यहाँ पे आपको बताना है डॉटर, फादर, हस्बैंड या मदर, जो भी है आप यहाँ बता देंगे। सेल्फ है, अगर जो हेड है फैमिली उसका सेल्फ बना रहे तो सेल्फ चूज कर लीजिएगा, तो आप यहाँ चूज कर लेंगे। फिर पिन कोड लिखेंगे, एरिया का पिन कोड मांग रहा है कि आपका गांव का पिन कोड क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ रहेगा, रूरल है कि अर्बन से आप आते हैं यहाँ पे चूज करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट और विलेज चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट नीचे में ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है और यहाँ बोला जाता है कि प्लीज चेक द स्टेटस यूजिंग रेफरेंस नंबर। अब आपका जो है क्या करना है, रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है और आपको जो है चेक करना है स्टेटस को। तो हम यहाँ ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा केवाईसी वेरीफाइड दिखा रहा है, यहाँ पे कार्ड का स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है। तो 5 से 10 मिनट बाद जो है आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका कार्ड अगर जनरेट हो जाएगा, यहाँ लिखेगा कि जनरेटेड, तो जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे कार्ड को। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, एक्शन बटन बन जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो पहले हम केवाईसी करते हैं, उसके बाद ही जो कार्ड यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो हम आपको अभी डाउनलोड करके दिखाते हैं, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है ना कार्ड जनरेट होने में ना 1 हफ्ता भी लग जाता है, कभी कभी जो है 10-20 मिनट में भी जनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे आपका क्या है, आप बार बार लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड जनरेट हुआ कि नहीं है। जैसे यहाँ पे कार्ड स्टेटस में आपका जनरेट हो जाएगा, यहाँ ग्रीन हो जाएगा और लिखेगा जनरेटेड कार्ड, तो आप जो है इस कार्ड को यहाँ एक्शन बटन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कभी कभी आधा घंटा भी लग सकता है, कभी कभी 5 दिन 7 दिन भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि आपका केवाईसी रिजेक्ट भी हो जाता है, तो इस चीज को भी विशेष ध्यान देना है। तो इस चीज को आपको ऐसे समझना है और इस तरह से केवाईसी करना, जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ पे कार्ड जो है नहीं बनेगा। तो ऐसे लाखों ऐसे लोग हैं जिनका जो है अभी तक केवाईसी हुआ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा जो है आयुष्मान भारत पोर्टल पे हमारा नाम है और हमको 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल सकता है। तो ये 4 चीजें होती है। आप जो भी है आप लिस्ट में नाम चेक करिए एक बार और आप देखिए कि आपका इस लिस्ट में नाम है, तो उसका केवाईसी करिए और कार्ड जनरेट करिए और इस बेनिफिट्स को लीजिए। आप समझते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है कार्ड बन जाने के बाद से। तो सेम उसी तरह से क्या करेंगे, आप यहाँ पे जानकारी को लिख के सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका केवाईसी आइडेंटिफाइड है लेकिन इसका जो है कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, तो इस तरह से आपको दिखाएगा। इसका देखिए अप्रूव्ड हो चुका है, तो यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन बन गया है, डाउनलोड कार्ड, मतलब ये कैंडिडेट्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका जो यहाँ पे अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है, अगर आपका अप्रूव्ड हो चुका है, केवाईसी वेरीफाइड है, तो यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करने का सेक्शन बन जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ई केवाईसी करने का ऑप्शन है, ये देख रहा ना, और इन सबका कार्ड बन चुका है यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे डाउनलोड करने का सेक्शन बना हुआ है, आप करेंगे उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे बोलेगा कि वेरीफाई करिए, आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे अलाउ करना है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू करना चाहते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू या किसके थ्रू, तो आप चुनाव करेंगे और उसके बाद से आपके बेनिफिशियरी पे जो है एक ओटीपी चला जाएगा और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर पे आपको जो है एक ओटीपी जाएगा। तो आप यहाँ पे आधार ओटीपी को लिखेंगे और बेनिफिशियरी ओटीपी को लिखेंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर आप ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे तो ऑपरेटर वाला ओटीपी जाएगा, ऑपरेटर ओटीपी यहाँ लिखेंगे, ऑथेंटिकेट करते हैं आपका कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आपका कार्ड बन जाएगा तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे कि आयुष्मान कार्ड के लिए कैसे आपको अप्लाई करते हैं और इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना होता है, केवाईसी कैसे करने होते हैं, लिस्ट में नाम कैसे चेक करने होते हैं, अगर आप इलिजिबल हैं या नहीं इलिजिबल है तो आप एक बार जो है ना इस पोर्टल पे आइए जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और वहां पे सारी जानकारी को चेक करिए। अगर आप इलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई करिए, केवाईसी करिए
और आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करिए। जब भी आपको खुदा ना करे कि आप हॉस्पिटल जाए, आपको कोई बीमारी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको जो है ना सरकारी हॉस्पिटल में या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनको सरकार ने मान्यता दिया हुआ है कि आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है 5 लाख में मुफ्त इलाज करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट कमेंट बॉक्स पूछिएगा। इससे जुड़ी और आपके कोई भी टॉपिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसके ऊपर जो है सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।